दोस्तों अक्सर सुबह सुबह उठकर बाथरूम जाना काफी आम होता है, लेकिन 26 मई 2013 को इसी चीज ने 29 साल की हैरिसन ओकेने की जान बचा ली और इसी वजह से वे पहले और शायद आखिरी ऐसे सर्वाइवल बन गए जो कि लगभग 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समुद्र के अंदर जिंदा थे। मतलब कि 3 दिनों तक अटलांटिक ओशियन में जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। लेकिन दोस्तों हैरिसन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 3 दिन समुद्र के अंदर बिताने पड़े और उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों अटलांटिक ओशियन के द गल्फ ऑफ गिनी में कई सारे जगहों पर पेट्रोलियम भरा पड़ा है और इसी वजह से यहाँ पर लगातार तेल निकालने का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे शिप का आना जाना बहुत ही आम सी बात है। और कुछ इसी तरह से 26 मई 2013 को जब इस जगह से 20 मील की दूरी पर नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर के साथ में 3 टगबोट जा रही थी, तभी सुबह 5 बजे एक जस्कोन फोर्ड नाम का टगबोट तेज लहरों के कारण डूब जाता है। और ऐसे में जब यह जहाज डूबा तो फिर बाकी लोगों को लॉक खोलकर बाहर निकलने में समय लग रहा था, क्योंकि समुद्री लुटेरों की वजह से क्रू के 11 लोग अपने रूम को लॉक करके सो रहे थे। हालांकि वहीं हैरिसन नाम के एक व्यक्ति अपने रूम से बाहर आकर बाथरूम में थे और फिर जैसे जैसे नाव डूबने लगा और अंदर पानी भरने लगा तब जाकर लोगों को यह पता चला कि उनकी नाव डूब रही है। और फिर जब तक क्रू मेंबर्स बाहर आने की कोशिश करते तब तक लोगों के रूम में पानी घुस चुका था। हालांकि हैरिसन जो कि बाहर ही थे और इसी वजह से उन्हें नाव डूबने की खबर सबसे पहले चल गई थी, लेकिन जब वह बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे तब मेटल से बना हुआ दरवाजा पानी भरने की वजह से खुल ही नहीं रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद पानी के दबाव से ही अपने आप दरवाजा खुला और हैरिसन को बहाकर दूसरे बाथरूम तक पहुंचा दिया। और दोस्तों हैरिसन का बहना एक तरह से चमत्कार ही था, क्योंकि वह बहकर एक ऐसे 4 स्क्वायर फीट के बाथरूम में पहुंच गए थे जहां पर वह अपना सर पानी के लेवल से ऊपर रख सकते थे। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यह थी कि उस बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप ही लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी भी पूरी तरह से उस बाथरूम के अंदर भर नहीं पाई। और दोस्तों थोड़ी ही देर में जहाज करीब 100 फीट यानी कि 30 मीटर की गहराई में जाकर डूब गई थी। और फिर जैसे ही इस बात की जानकारी हाई कमान तक पहुंची, तुरंत ही रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर हेलीकॉप्टर से गोताखोरों ने छलांग लगाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि लोगों के जीवित रहने के कोई भी एविडेंस न मिलने की वजह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया, लेकिन हैरिसन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह गोताखोरों के नजरों में आ सकें, लेकिन फिर भी वह इस कोशिश में नाकामयाब रहे और फिर सभी गोताखोर भी वापस लौट गए। हालांकि दोस्तों हैरिसन के जीने की उम्मीद भी अब कम होती जा रही थी, साथ ही समुद्री तल से करीब 100 फीट नीचे होने की वजह से उन्हें बहुत जोर से ठंड लग रही थी। हालांकि यह मई का महीना था इसीलिए ठंडक थोड़ी सी कम थी, वरना हैरिसन अभी तक जिंदा बचे ही नहीं होते। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद से हैरिसन को भी एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई, जिससे कि वह समझ गए कि उनके कलीग्स जिनकी मौत हो गई है उनकी बॉडी अब डीकम्पोज होनी शुरू हो चुकी है और हैरिसन भी अब हिम्मत हार रहे थे। लेकिन चूंकि हैरिसन एक धार्मिक व्यक्ति थे इसी वजह से वह गॉड से अपने बचने की कामना करने में भी पीछे नहीं रहे। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो जहाज डूबी थी उसकी पेरेंट कंपनी वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स ने गहराई तक जाने वाली डाइविंग टीम को हायर किया ताकि वो खोए हुए क्रू मेंबर्स की बॉडी को वापस ला सके। और फिर 6 डाइवर्स और बाकी के 2 टेक्निकल स्टाफ इस मिशन के लिए रवाना हो गए। और चूंकि समुद्री तल से 100 फीट गहराई में पूरी तरह से अंधेरा छाया होता है और कुछ भी ढंग से नहीं दिखाई देता, ऐसे में बॉडी को रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होने वाला था। और इसी वजह से डाइवर्स पानी के अंदर गए और कोल्बी वेरेट ऊपर से ही कैमरे की मदद से सारा व्यू देख रहे थे। और फिर नीचे जाकर जब डाइवर्स एक एक करके बॉडी को निकाल रहे थे तब हैरिसन को भी इस बात की खबर लग गई और फिर उन्होंने अपने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। हालांकि 3 दिनों तक कुछ भी ना खाए पिए होने की वजह से हैरिसन का हाथ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो अब एक्टिव नहीं होंगे तो कभी भी नहीं जी पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी बची हुई पूरी ताकत एक साथ झोंक दी। और दोस्तों आखिरकार डाइवर्स को इस बात का पता लग ही गया कि डूबे हुए मेंबर्स में से कोई जिंदा भी है और यह बात उन्हें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि डूबे हुए जहाज के अंदर 60 घंटों तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
क्योंकि मान लेते हैं कि पानी के लेवल से भी अगर अपना सर कोई ऊपर रख ले तब भी उन्हें ऑक्सीजन थोड़ी देर तक ही मिल सकता है। लेकिन फिर भी हैरिसन ने कम सांस लेते हुए अपने आप को जीवित रखा। और फिर हैरिसन के मिलते ही डाइवर्स ने सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया और फिर ऊपर ले जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन डाइवर्स को अब यह नहीं पता था कि हैरिसन के पास इतनी ताकत बची भी है कि नहीं कि वह ऊपर तक जा सके। लेकिन हैरिसन ने पूरी हिम्मत दिखाई और फाइनली 28 मई को शाम के करीब 7 बजे वह समुद्र के ऊपर पहुंच गए। और दोस्तों कुछ इस तरह से जैस्कन फोर टग बोट से गोताखोरों ने एक जिंदा आदमी और 10 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की। और फिर हैरिसन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद से उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि नाइजीरिया के लोग काफी धार्मिक होते हैं और ऐसे में कई सारे लोगों का मानना था कि हैरिसन जादू टोटका जानते थे और इसी वजह से वो बच पाए हैं। लेकिन असलियत तो यह थी कि इतनी मुश्किलों के बाद उनकी जान बची और इसमें उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई। हालांकि इस हादसे के बाद भी उन्हें कई रातों तक यह सपने आते थे कि वो पानी में डूब रहे हैं। और दोस्तों जब वो पानी के अंदर फंसे थे तब उन्होंने गॉड से यह प्रे किया था कि अगर वो बच गए तो कभी भी समुद्र के अंदर वापस नहीं आएंगे। और फिर इसी वजह से उन्होंने आगे चलकर कुकिंग जॉब स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों यह थी हैरिसन की हिम्मत भरी कहानी। अब आप हमें कमेंट करके यह बताना ना भूलिएगा कि अगर ऐसी स्थिति में हैरिसन की जगह पर आप होते तो क्या करते। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव इन दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।